हेलो भाई स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों, आप लोग 12 क्लास का जब पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट, ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट आप लोग का आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसमें आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कौन कौन सा थ्योरी, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, उससे आप लोग को क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प होगा बच्चों। और ठीक है, और क्या होगा, एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, और एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन जब आता है बच्चों, तो यही सब क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ही। तो बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आता है क्या, पार्टनरशिप क्या होता है और ये इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक है, क्योंकि जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इससे बच्चों, ठीक है, और इससे बच्चों आप लोग का एक चीज और होगा, ठीक है, इससे आप लोग एक चीज और क्या होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू रहेगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत फायदा होगा ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है और इसमें क्या क्या बातें होती है। तो साझेदारी संलेख क्या होता है बच्चों, जो पार्टनर लोग के बीच लिखित एग्रीमेंट होता है या मौखिक एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला जाता है। और इसमें क्या क्या बातें लिखी रहती है इसको लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे हम आप लोग को जब मात्र 5 क्वेश्चन ही बता रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही। ठीक है, आप लोग जब हमको सपोर्ट करते तो मेरा भी लाइबिलिटीज बनता है बच्चों की आप लोग के लिए इस प्रकार का वीडियो जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, कौन कौन सा टॉपिक पर आप लोग तैयारी करें, ताकि हम लोग का जब बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम हम लोग का जाए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। कैपिटल, जैसा जानते हैं बच्चों अगर पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बनाते हैं क्वेश्चन को, या तो फिक्स कैपिटल मेथड या तो फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। तो इसी में हम लोग को एक क्वेश्चन इसी से आता है कि स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है बच्चों तो क्या क्या रूल फॉलो होगा, क्या क्या रूल लागू होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तक पढ़े थे, क्योंकि उसमें हम लोग का सोल ट्रेडर था। अब हम लोग आ गए पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में आए बच्चों तो हम लोग को पढ़ना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो साझेदारों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन होता है, उसको जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यह क्यों बनाते हैं, क्या होता है, सबका मीनिंग क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा आप लोग को। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन जो आप लोग को बताए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए। कुछ दिन बाद हम अपने ऐप पर भी इसका आंसर बहुत जल्द अपलोड कर देंगे बच्चों। नया क्वेश्चन, नया हम प्रत्येक साल नया मतलब बनाते हैं आंसर बच्चों, पुराना आंसर को हम नहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक आप लोग बुक में भी बच्चों है, बुक से भी आप लोग अगर आप अपने से खोज के लिखिएगा ना कोई भी आंसर को, तो ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी जिसके ऐसे बच्चे जिनके पास समय नहीं है उनके लिए हम लोग है ना, ठीक है, तो हम लोग अपलोड करेंगे, आंसर को भी अपलोड करेंगे। तो बच्चों इतना देर तक मेरे वीडियो में बने रहे इसके लिए सबसे पहले थैंक्स, और इस प्रकार का वीडियो और आते रहेगा बच्चों, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।